वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आप लोगों को NTUGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। इसका पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पर हम लोग फिलोसॉफिकल बेसिस के बारे में स्टडी किए थे। पार्ट 2 पर हम लोग साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग साइकोलॉजिकल बेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। साइकोलॉजिकल जो बेसिस है यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होती है कि हर एक स्टूडेंट का, हर एक चाइल्ड का नीड, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी, ये सभी चीज़ अलग अलग होती है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें करिकुलम को सेट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब हर एक बच्चा उन सारी एक्टिविटी पर, मतलब जो करिकुलम पर सेट किया है जो जो एक्टिविटी, उन सभी चीज़ों पर पार्टिसिपेट करे और एक्सपीरियंस गेन करे, तो उसको हम एक्टिविटी बेस्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी से एक्टिविटी बेस्ड का क्या ताल्लुक है कि यहाँ पर हम लोग करिकुलम पर ऐसा एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे जहाँ पर हर एक चाइल्ड की इंटरेस्ट हो और वो उन खुद की जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो हर एक एक्टिविटी पर पार्टिसिपेट करते हुए हर एक एक्टिविटी को फुलफिल कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इनर क्वालिटीज और एबिलिटीज, और जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। मतलब हर एक बच्चे का पोटेंशियल क्या है, हर एक बच्चा एकेडमिक जो उनकी सक्सेस है वहाँ पर 100 out of 100 मिलेगा, ये सही नहीं है। कोई बच्चा 100 में 50 marks भी लेकर आ सकता है, तो कोई बच्चा 100s में 100 marks भी लेकर आ सकता है। तो जो बच्चा 50 या फिर 40 marks लेके आ रहा है तो उनका एकेडमिक जो सक्सेस है वो मॉडरेट है। तो उनके अंदर क्या पोटेंशियल है, वो किस में बहुत अच्छा है, तो यही चीज़ यहाँ पर करिकुलम में मेन फोकस किया जाता है कि बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसको देखते हुए उस बच्चे का क्या इनर पोटेंशियलिटी है, क्या वो बच्चा अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं, क्या वो बच्चा अच्छा डांस कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को ढूंढना होगा। किसकी मदद से ढूंढेंगे, हम लोग करिकुलम की मदद से ढूंढेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में क्या क्या होती है, आर्ट, क्राफ्ट, वर्क, एडुकेशन। तो इसका मतलब कि हर एक बच्चे का क्रिएटिविटी इंक्रीज हो सके, इसीलिए करिकुलम के अंतर्गत हमें आर्ट, क्राफ्ट, वर्क, एडुकेशन, ये सभी चीज इंक्लूड करना होगा। हर एक बच्चे की एज, नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम सेट करना होगा। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को ही यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पर बच्चा अच्छे से वो कर सकते हैं हर एक एक्टिविटी, हर एक कंटेंट को वो समझ सकते हैं, और कौन से कंटेंट पर, कौन से सब्जेक्ट पर उसका वीकनेस है, ये सभी चीज़ भी यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए इंटीग्रेटेड फोरम। इंटीग्रेटेड फॉर्म मतलब यहाँ पर देखिए जो पास्ट नॉलेज है, ठीक है। सपोज कीजिए कोई बच्चा क्लास 8 पर 2019 पर, वो बच्चा क्लास 8 पर पढ़ते थे, अब 2020 है तो वो बच्चा क्लास 9 पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो क्लास 8 पर वो बच्चा स्टडी किया था वही चीज, वही प्रीवियस नॉलेज थोड़ा बहुत क्लास 9 पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज बोला जाए कि जो पास्ट नॉलेज है या एक्सपीरियंसेस है वो सभी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होगा। हिस्ट्री की जो क्लास 8 पर वो स्टडी किए थे वही थोड़ा बहुत कंटेंट या थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वही नॉलेज क्लास 9 पर पहले इंट्रोड्यूस कराते हुए जो कॉम्प्लेक्स चीज है क्लास 9 की हिस्ट्री सब्जेक्ट का वो सारी चीज रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर टीचर को ये देखना होगा कि करिकुलम पर उनकी जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको यहाँ पर इम्पोर्टेंस देते हुए न्यू नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाए, तभी वो बच्चे का जो भी कंटेंट के अंतर्गत इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिए, साइकोलॉजिकल जो बेसिस है वहां पर लर्नर की नेचर को देखा जाता है। लर्नर्स की नेचर का मतलब लर्नर क्या अच्छे से कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट, उसका कैपेबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, तो ये सारी चीज नेचर ऑफ लर्नर्स कहा जाता है। लर्नर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस। क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे का इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटी सेम नहीं होगा। हाँ, 10 बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होगा, अलग अलग कैपेबिलिटी होगा, तो सभी की इंटरेस्ट कैपेबिलिटी की अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, करिकुलम को सेटअप करना होगा। कौन सा बच्चा कौन से लर्निंग स्टाइल से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कोई बच्चा जो भी हमारी चॉकबोर्ड मेथड्स है उनमें से समझ जाता है जो भी टीचर समझाता है, मगर दूसरा जो बच्चा है वो उनमें से मतलब चॉकबोर्ड मेथड से उतना अच्छा समझ में नहीं आता उस बच्चे को, तब क्या किया जाएगा, तब यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड, स्लाइड शेयर मेथड, मॉडल के थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो इसीलिए लर्निंग स्टाइल को भी यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है। नेक्स्ट है लर्निंग प्रोसेस एंड मोटिवेशन, मतलब कौन से टेक्निक को आप यूज करोगे। यहाँ पर ऑडियो वीडियो यूज करोगे और उसके साथ साथ मोटिवेशन भी देना होगा, जिससे हर एक बच्चे की जो अटेंशन है वो ग्रोथ हो सके, ठीक है। चलिए देखिए, साइकोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी एस्पेक्ट्स होती है, जैसे कि बिहेवियरिज्म होती है, नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म होती है, कंस्ट्रक्टिविज्म होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत स्टडी करना होगा। इनके अकॉर्डिंग क्या साइकोलॉजी की बेसिस के ऊपर करिकुलम सेट करना है, वो सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बिहेवियरिज्म के अंतर्गत हम लोगों को क्या देखना होगा कि लर्नर्स के बिहेवियर, यहाँ पर मेन फोकस रहती है कि ऐसा करिकुलम को सेटअप करो जिसके थ्रू लर्नर के अंदर जो बिहेवियर है वो बिहेवियर मॉडिफाई करते हुए एक डिजायर्ड बिहेवियर आ सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक स्किल्स। अब इन सारी बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करना, डिजायर्ड बिहेवियर लेके आना, उन सारी चीजों के लिए एक बेसिक स्किल होना जरूरी है, तो उसके बारे में बोला गया। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मतलब कौन से लर्निंग से पढ़ाओगे, प्रोग्राम लर्निंग से पढ़ाओगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के ऊपर यहाँ पर एम्फसाइज किया जाएगा। ऐसे टाइप को यहाँ पर नहीं एम्फसाइज किया जाता, जहाँ जिसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, री इन्फोर्समेंट, तो ये जो सारी पॉइंट्स है ये फोकस करती है कौन, बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट क्या है, कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म का जो मेन फोकस पॉइंट होती है वो होती है माइंड, माइंड से डील करती है, यहाँ पर कॉग्निटिव स्किल के ऊपर फोकस किया जाए। बिहेवियरिज्म पर बेसिक स्किल्स होना चाहिए जिसके थ्रू बिहेवियर को मॉडिफिकेशन किया जा सके, डिजायर्ड बिहेवियर लेके आ सके, मगर कॉग्निटिविज्म पर क्या होती है, माइंड को अच्छा बनाना, माइंड को शार्प बनाने के लिए यहाँ पर कॉग्निटिविटी के ऊपर फोकस किया गया, स्कीमा, ठीक है। जैसे कि पियाजेट की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे कि स्कीमास के ऊपर देखो यहाँ पर ध्यान दिया गया, क्या प्रीवियस नॉलेज है, उसके थ्रू कौन से न्यू नॉलेज आप गेन करोगे, तो ये सभी चीज आपके माइंड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर उस रिलेटेड स्किल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। माइंड मैपिंग यहाँ पर होगा और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम यहाँ आपको देना होगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो और उन सभी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो खुद की हेल्प से, खुद की एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होती है, यहाँ पर बच्चा खुद सीखते हैं, सेल्फ नॉलेज करते हैं, यहाँ पर बच्चा खुद लाइफ की एक्सपीरियंस से सीखेगा, जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ स्किल, मतलब जो उनकी जो रियल लाइफ है उन रियल लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को वो फेस करेगा, रियल लाइफ की छोटी मोटी हर एक चीज को वो देखेगा, उन सभी चीजों को देखते हुए, नेचर को ऑब्जर्व करते हुए जो भी उनकी जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर गेन करेगा, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग मैंने बताया ना, यहाँ पर देखते हुए सीखेगा, जैसे कि ब्रूनर की थ्योरी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म पर आ जाएगा।
सीसी का मतलब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, यहाँ पर एम्फोसाइज किया जाता है रियल प्रॉब्लम्स, उनकी जो वास्तविक परिस्थिति होती है, हमारी जो रियल वर्ल्ड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, सिर्फ बुकिश नॉलेज की प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, यहाँ पर रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है उसकी अकॉर्डिंग प्रॉब्लम दो, वहाँ पर सर्वाइव करते हुए स्टूडेंट क्या करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा, वही एक्सपीरियंस उसकी नॉलेज कहलाएगा, ठीक है। और टीचर यहाँ पर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। चलो यहाँ पर साइकोलॉजी खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होती है सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू करिकुलम। सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू करिकुलम पर देखिए, सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर नीड ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि साइकोलॉजी पर हम लोग स्टडी किए कि चाइल्ड की नीड को देखना होगा, ठीक है, चाइल्ड की इंटरेस्ट को देखना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना होगा, मगर यहाँ पर सोसाइटी की नीड देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर सोसाइटी की नीड को देखते हुए हमारी जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो फंक्शन है, उसको चेंज किया जाएगा। जैसे साइकोलॉजी पर देखिए, हम मैंने दो दोनों को मतलब सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी को दोनों को डिफरेंस करते हुए आप लोगों को समझा रही हूँ कि साइकोलॉजी पर क्या था कि स्टूडेंट की जो नीड्स है, स्टूडेंट की जो भी इंटरेस्ट है, उन सारी चीजों को देखते हुए उनकी जो भी बिहेवियर है, उस बिहेवियर को मॉडिफाई करते हुए डिजायर्ड बिहेवियर लेके आया जाएगा, उनकी माइंड की स्किल्स को यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा, उसके अलावा जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो सारी चीज यहाँ पर इंक्रीज होगा, ठीक है। किसके थ्रू होगा, उनकी नीड, उनकी जो इंटरेस्ट है, उन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करो जिसके थ्रू उनके बिहेवियर में चेंजेस आए, उनकी माइंड स्किल्सफुल हो सके, उनके रियल लाइफ जो भी नॉलेज है वो गेन कर सके। ये हुआ था साइकोलॉजी पर। मगर सोशियोलॉजी पर क्या होगा, देखिए जो भी चेंजेस आएगा वो स्ट्रक्चरल वे में होगा, सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जिसको हम सोशल चेंज कहते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर वे में एंड फंक्शनल वे में चेंजेस आएगा, मगर किसकी अकॉर्डिंग आएगा, सोसाइटी की नीड की अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर। देखो हमारी जो कल्चर एंड हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के साथ साथ, प्रिजर्व करने के साथ साथ, हम लोग ये भी देखेंगे क्या इनोवेशन आ रही है, ठीक है। अगर जरूरत है तो यहाँ पर उन सारी कल्चर्स एंड ट्रेडिशन को यहाँ पर प्रिजर्व करके भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग न्यू चेंजेस लेकर आएंगे, जिसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले क्या होती है, सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी कल्चर्स है, उनको पहले ट्रांसफर किया जाता है यहाँ पर स्टूडेंट पर, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। अब ट्रांसफर करने के बाद भी ये देखा जाता है कि स्कूल का काम होती है, स्कूल का रोल होती है कि सोसाइटी की हर एक ट्रेडिशन, हर एक कल्चर को पहले प्रिजर्व कर लो, ठीक है, प्रिजर्व करने के बाद ट्रांसफर करो स्टूडेंट को, जिसके थ्रू हमारी नेशन की जो कल्चर्स है, जो ट्रेडिशन, जो हेरिटेज है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो नॉलेज गेन कर सके। अब उसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशन भी करना होगा जिसके थ्रू न्यू इनोवेशन आ सके, क्लियर। अच्छा अब देखो वही चीज बोला जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें कुछ इनोवेशन लेके आना होगा, हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा अपडेट करना होगा। सोशल करंट इशू मतलब सोसाइटी में अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी रिलेटेड नॉलेज स्टूडेंट को प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक इशू, तो देखिए सोसाइटी में इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आती है, इकोनॉमिक का क्या कंडीशन है, इन सारी चीजों के भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। वोकेशनल जो कि जॉब रिलेटेड है, अब स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर उनको एक अच्छा जॉब मिल सके, क्वालिटी लाइफ हो, इन सभी चीजें के लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी सब्जेक्ट में कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर जॉब के लिए एक गाइड प्रोवाइड करना, जॉब रिलेटेड वोकेशनल क्या एडुकेशन होती है, कौन सी जॉब उनको मिल सकती है, कौन सी सब्जेक्ट में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो ये सभी वोकेशनल ट्रेनिंग भी उनको देना होगा एक एफिशिएंट सिटीजन बनाने के लिए। क्रिएटिव आउटलुक, हर एक फील्ड पर
क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। तो उनको क्या करना होगा कि मतलब टीचर्स को यहाँ पर क्या करना होगा कि हर एक चाइल्ड की जो क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज हो सके, इसके ऊपर भी एम्फसाइज किया जाएगा। तो देखिए, हम लोग फिलोसॉफी पर भी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस किया था, हम लोग साइकोलॉजी पर भी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस किया था, और सोशियोलॉजी में भी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही, यहीं पर खत्म होती है करिकुलम की जो हमारी थ्री बेसिस था, एक साइकोलॉजी, एक सोशियोलॉजी और एक फिलोसफी, वो सभी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।